अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम फराज अहमद उसामा है। ये मेरा चैनल है डिजिटल कंप्यूटर साइंस। चैप्टर 7 डेटाबेस फंडामेंटल्स में आज हम प्लानिंग का डेटाबेस कवर करने जा रहे हैं, जिसमें हम कंप्लीट डेटाबेस स्क्रैच से लेके एंड तक बनाने का प्रोसीजर देखेंगे। तो आइए चलते हैं कंप्यूटर स्क्रीन पे और इसकी तफसील देखते हैं। चैप्टर 7 डेटाबेस फंडामेंटल्स, लेक्चर 6 प्लानिंग अ डेटाबेस। प्लानिंग अ डेटाबेस एक कंप्लीट प्लान होता है जिसके मुताबिक डेटाबेस को स्क्रैच से लेके फाइनल स्टेप तक लेके जाया जाता है। तो हम देखते हैं कि इसके अंदर क्या क्या चीज़ें आएंगी। अब हम कोई भी डेटाबेस अगर प्लान करते हैं तो उसमें सबसे पहले हम देखते हैं कि एक कंप्लीट सिस्टमैटिक अप्रोच होनी चाहिए। अब सिस्टमैटिक अप्रोच से क्या मुराद है? इसका मतलब है कि एक कंप्लीट सिस्टम है, एक स्टेप वाइज पूरी एक अप्रोच है जिसके मुताबिक ये काम किया जाता है। तो इसमें जो डेवलपमेंट है, डेवलपमेंट किस लिए कहते हैं? क्योंकि हमारे पास इसमें प्रोग्रामिंग नहीं है, इसके अंदर हमने टूल्स यूज़ करने होते हैं और सॉफ्टवेयर डेवलप नहीं करना होता। हमने एक क्रिएट नहीं करना होता, हमने डेटाबेस टूल्स से इसको डेवलप करना होता है। तो इसके अंदर जो डेवलपमेंट है उसमें स्टार्ट में एक कॉन्सेप्ट हम देखते हैं कि क्या चीज़ किसके ऊपर काम करना है, डेटाबेस बनाना है। उस कॉन्सेप्ट के लिहाज से हम डिज़ाइन बनाते हैं, डिज़ाइन करते हैं कि क्या चीज़ डिज़ाइन करनी है उस कॉन्सेप्ट के लिहाज से। फिर हम देखते हैं कि इसकी डेवलपमेंट किस तरह से होगी और हम डेवलपमेंट की तरफ मूव करते हैं, और आखिर में हम इसकी इम्प्लीमेंटेशन देखते हैं कि हमने जब डेवलपमेंट कर ली है तो इम्प्लीमेंटेशन इसकी किस तरह से की जाएगी। तो ये हमारे पास एक स्टेप वाइज अप्रोच है, फर्स्ट स्टेप, सेकेंड स्टेप, थर्ड स्टेप एंड फोर्थ स्टेप। अब इन चारों स्टेप के लिए अगर हम इसको फॉलो करते हैं तो इसको हम कहते हैं कि ये एक वेल डिज़ाइन डेटाबेस है। अब वेल डिज़ाइन डेटाबेस से क्या होगा? इससे प्रमोट होंगी कुछ चीज़ें जिनको के कंसिडर करना चाहिए, लाइक टाइम का फैक्टर है कि अगर एक वेल डिज़ाइन डेटाबेस होगा तो उससे टाइम बचेगा। फिर हम कह सकते हैं कि इसके अंदर एफर्ट कम लगेगी, एंड इसके बाद हम कह सकते हैं कि इसकी परफॉर्मेंस, जो ये परफॉर्म करेगा काम, वो इसका बेहतर हो जाएगा। इसी तरह हम कहते हैं कि इसमें हमने जो एक्सपेक्टेड टास्क हैं जो इसे परफॉर्म करने, वो हमारे बेहतर हो जाएंगे। इसके साथ ही हम कह सकते हैं कि ये प्रमोट करता है दो चीज़ों को, एक प्रॉपर डेटा की एंट्री और दूसरा उसका रिट्रीवल। तो ये दो चीज़ें ये प्रमोट ज़्यादा बेहतर तरीके से कर सकता है अगर एक वेल डिज़ाइन डेटाबेस होगा। इन सारे कामों से क्या चीज़ होगी कि अगर हम प्लान करते हैं उसके लिए भी हमें कुछ ना कुछ टाइम की रिक्वायरमेंट है। हम देखते हैं कि इस टाइम की रिक्वायरमेंट के साथ कितना काम होगा, और वो सारी चीज़ें डिपेंड करती हैं किसी भी डेटाबेस की कॉम्प्लेक्सिटी के ऊपर कि वो डेटाबेस कितना कॉम्प्लेक्स है। अब हमारे पास कुछ स्टेप्स आते हैं जिनको अगर हम फॉलो करें तो एक सिस्टमेटिक अप्रोच हमें मिल जाती है। अगेन हम इसको सिस्टमेटिक अप्रोच कह रहे हैं, क्यों? क्योंकि एक जो सिस्टमेटिक अप्रोच होगी उसके अंदर एक पूरा सीक्वेंस होगा किस चीज़ का, वर्कआउट का, कि किस तरह से डेटाबेस को डेवलप करना है। सो डेटाबेस डेवलप करना एक स्क्रैच से लेके एंड तक पूरी सिस्टमेटिक अप्रोच है। तो इसमें हम देखते हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास आ जाती है प्रॉब्लम आइडेंटिफिकेशन, और इसके साथ ही हम इसको कहते हैं प्रॉब्लम डेफिनेशन। तो ये एक ही स्टेप है, या बाज बाद हम इसको दो में डिवाइड कर सकते हैं, जिसके अंदर एक आइडेंटिफिकेशन होगी और दूसरा डेफिनेशन होगी।
अब इसमें हम देखते हैं कि सबसे पहले क्या नेचर है, और उसके साथ हम देखते हैं कि स्कोप क्या है किसी भी प्रॉब्लम का। अब यहाँ पे ये वर्ड जो हम यूज कर रहे हैं प्रॉब्लम, इसका मतलब है कि कोई इशू है, इसका मतलब है कोई अनसॉल्व्ड, आपके पास कोई क्राइटेरिया है और उसके ऊपर कुछ डेवलप करना है, दैट्स व्हाई हम इसको कहते हैं प्रॉब्लम। तो दैट प्रॉब्लम कैन बी आ एनी टास्क जो कि कंप्यूटर के ऊपर परफॉर्म हो सकता है। आमतौर पे हम कंप्यूटर पे परफॉर्म करने का वर्ड यूज करते हैं, या हम इसको कह सकते हैं जिसके लिए कोई डेटाबेस क्रिएट किया जा सकता है। सो अगर डेटाबेस क्रिएट किया जा रहा है तो जो प्रॉब्लम है वो उसका सॉल्यूशन हमें प्रोवाइड करेगा, दैट डेटाबेस विल बी अ सॉल्यूशन टू द प्रॉब्लम। सो हम चेक कर लेते हैं कि अगर हमने ये काम करना है कि कोई सॉल्यूशन हमें चाहिए, तो उसके लिए आइडेंटिफाई किस तरह से करेंगे, आइडेंटिफिकेशन क्या होगी। उसके लिए हम आइडेंटिफाई करेंगे कि प्रॉब्लम है क्या, इट कैन बी अ स्टेटमेंट, एक सिंगल स्टेटमेंट हो सकती है कि क्या प्रॉब्लम है, और इसके अलावा हम देख सकते हैं कि अगर स्टेटमेंट नहीं है तो मल्टीपल स्टेटमेंट्स भी हो सकती हैं, पैराग्राफ हो सकता है जिसके अंदर इसको एक्सप्लेन किया जाएगा, और इसके साथ ही डिफाइन भी किया जाएगा। डिफाइन करना पॉसिबल है कि जिसने प्रॉब्लम को प्रेजेंट किया है वही डिफाइन करे, दैट पर्सन जो कि कोई ओनर हो सकता है किसी भी बिजनेस का जिसके रिक्वायरमेंट है डेटाबेस की, तो वो जो ओनर है वो उसको डिफाइन करेगा, या अगर वो प्रॉपरली डिफाइन नहीं कर पाएगा तो फिर ये रिक्वायरमेंट आएगी डीबीए की, जो कि हम पहले पिछले कुछ लेक्चर्स में देख चुके हैं कि डीबीए ने क्या करना है, पूरा डेटाबेस उसको ना सिर्फ प्लान करना है बल्कि उसको क्रिएट भी करना है। तो जब क्रिएट करना है तो डेफिनेटली उसका जो प्लान है वो उसको ज़्यादा बेहतर तरीके से होना चाहिए, और ये काम डीबीए का है कि वो उसको प्रॉपरली डिफाइन करवाए। किस से डिफाइन करवाए? डेफिनेटली ओनर से। तो इसको हम देखेंगे कि ये किस तरह से काम परफॉर्म होता है। अब यहाँ पे कुछ चीज़ें ऐसी आ जाती हैं, लाइक हम देखते हैं कि अगर एक प्रॉब्लम है जिसके अंदर हम एक एग्जाम सिस्टम के बारे में देख लेते हैं, एग्जाम सिस्टम कोई एग्जिस्टिंग है और उस एग्जिस्टिंग सिस्टम के अंदर कोई सेक्शन है, वो देखता है कि वो जो एग्जिस्टिंग सिस्टम है वो प्रॉपर वर्क नहीं कर रहा। तो अगर प्रॉपर वर्क नहीं कर रहा, नॉट प्रॉपर वर्क, तो उसमें क्या होगा, वो देखेगा एग्जाम हेड से के क्या इश्यूज आ रहे हैं जिसकी वजह से परफॉर्मेंस नहीं आ रही है। तो अब अगर परफॉर्मेंस नहीं आ रही है तो दैट इज़ अ प्रॉब्लम, ठीक है, और इस प्रॉब्लम को सॉल्व करना है, इसका सॉल्यूशन चाहिए, और इसके सॉल्यूशन के लिए जो एग्जाम हेड है वो कर सकता है कॉन्टैक्ट फॉर अ डेटाबेस, के डेटाबेस बनाना है, डेटाबेस की रिक्वायरमेंट है। तो अब ये जो डेटाबेस है ये एक न्यू सिस्टम होगा, पॉसिबल है कि पहले डेटाबेस यूज हो रहा है या पॉसिबल है कि पहले कोई फाइल सिस्टम यूज हो रहा है। तो उसके लिए अब जो एग्जाम हेड है वो क्या करेगा, वो सजेस्ट करेगा कि उसको क्या चीज़ें चाहिए, कौन से सॉल्यूशन उसकी रिक्वायरमेंट उसको है, या उसको डेटाबेस की रिक्वायरमेंट है तो उसके अंदर उसको क्या रिक्वायरमेंट है, क्या चीज़ें उसने उसमें डेवलप करवानी है, एंटर करानी है, फिर एक न्यू सिस्टम के बारे में बात होगी और ये सारी चीज़ें किस तरफ लीड करेंगी, ये सारी चीज़ें लीड करेंगी फिजिबिलिटी स्टडी की तरफ। क्यों? क्योंकि अगर कोई भी काम करना है तो उसके लिए फिजिबिलिटी स्टडी मस्ट है, जो कि
सेकेंड स्टेप बनता है डेटाबेस डेवलपमेंट का। अब फिजिबिलिटी स्टडी क्या चीज है, इसके अंदर हो सकता है कि कोई फाइंड किया जाए सॉल्यूशन। अब कोई सॉल्यूशन का क्या मतलब है कि वो एक सॉल्यूशन भी हो सकता है या वो एक से ज्यादा मैनी मल्टीपल सॉल्यूशन भी हो सकते हैं, क्योंकि अगर कोई प्रॉब्लम है तो उस प्रॉब्लम के लिए लाजमी नहीं है कि एक ही सॉल्यूशन बनता हो, उस प्रॉब्लम के लिए एक सॉल्यूशन भी हो सकता है या मल्टीपल सॉल्यूशन भी हो सकते हैं। तो उसको अब देखना फिजिबिलिटी स्टडी के अंदर ये सारा काम किया जाता है कि किस तरह से उसको हम स्टडी करेंगे, उसकी फिजिबिलिटी देखेंगे। अब उसमें से फिर नेक्स्ट आ जाता है कि अगर एक से ज़्यादा सॉल्यूशन है, मल्टीपल सॉल्यूशन है, तो सजेस्ट किया जाए क्या चीज़ जो कि मोस्ट डिज़ायरेबल है, मोस्ट सूटेबल है। तो उसका एक तो इकोनॉमिक पहलू देखा जाता है कि इकोनॉमिकली उसको सॉल्यूशन बनाया जाए, उसकी अमाउंट कितनी लगेगी उसके अंदर, इकोनॉमिक फिजिबिलिटी उसके अंदर है कि नहीं है। और उसके लिए अगेन फिर हम बात करते हैं कि जो डेटाबेस डेवलपर है, उस डेटाबेस डेवलपर ने ये काम करना है कि वो जनरेट करे क्या चीज सॉल्यूशन। मींस के वो बनाने से पहले उनका एक आइडिया दे दे और वो जो सॉल्यूशन है वो सेवरल हो, एक ना हो, ताकि उसके अंदर हमारे पास ऑप्शंस आ सकें। देन और क्या वो सॉल्यूशंस जो प्रॉब्लम है वो उसको सॉल्व कर रहे हैं और कितने अच्छे तरीके से कर रहे हैं। तो अब इन सारे कामों के लिए, इन सारी चीज़ों के लिए कुछ हमारे पास पॉइंट्स आ जाते हैं कि किस तरह से ये फिजिबिलिटी देखी जाएगी। फर्स्ट ऑफ ऑल इसके अंदर होगा कि इन्वेस्टिगेट किया जाए। इन्वेस्टिगेट किस चीज़ को करना है, डेफिनेटली प्रॉब्लम को करना है। अब वर्ड जो इन्वेस्टिगेट है उसके अंदर हमने प्रॉब्लम को इन्वेस्टिगेट करना है, तो इसका मतलब है कि उसको डिटेल के अंदर देखा जाए, पूछा जाए, जिसको कुछ क्वेश्चंस डिज़ाइन किए जाएं। अब ये क्वेश्चंस जो डिज़ाइन करने हैं वो किसने करने हैं, अगेन वो डेटाबेस डेवलपर ने करने हैं, डेट इज़ आर DBA। देन उसने देखना है कि जब इन्वेस्टिगेशन हो रही है तो उसके बाद वो क्या करे, वो फाइंड करे किस चीज़ को, उन तमाम चीज़ों को जो कि पॉसिबल हो सकती हैं किसमें, सॉल्यूशन के अंदर। क्यों, जब इन्वेस्टिगेशन होगी और डिटेल क्वेश्चन होंगे तो जितने इश्यूज हैं या जितने प्रॉब्लम्स हैं वो सामने निकल के आ जाएंगे, ठीक है, वो सामने शो हो जाएंगे। उन सब का पॉसिबल सॉल्यूशन जब ढूंढेगा DBA तो फिर उसको वो कंप्लीट कर सकेगा प्रॉपर तरीके से डेटाबेस के अंदर। अब इसके अंदर स्टडी की जाएगी और वो स्टडी होगी उन सॉल्यूशंस की जो कि DBA ने रिकमेंड किए हैं। और इसके अंदर क्या किया जाएगा, डिटरमिन किया जाएगा कि फिजिबिलिटी इसकी है कि बनाया जाए इसको, सॉल्यूशन को सॉल्यूशन किया जाए। मोस्टली जब हम फिजिबिलिटी की बात करते हैं तो इसके अंदर हम देखते हैं इकोनॉमिक फिजिबिलिटी के, इकोनॉमिकली ये फिजिबल है, इकोनॉमिकली इसको बनाया जा सकता है, जो सॉल्यूशन बताए जा रहे हैं वो उतनी जितनी अमाउंट दरकार है उतनी उसके ऊपर स्पेंड हो सकती है। अब इन सारे कामों के लिए क्या करेंगे, लिस्ट करेंगे किस चीज़ को, इश्यूज को, और जब इश्यूज लिस्ट हो जाएंगे तो उसके साथ ही एक और लिस्ट बनेगी जो उसके सॉल्यूशंस की होगी। तो जितने इश्यूज हैं डेफिनेटली उतने ही उसके सॉल्यूशंस भी बनेंगे या उससे ज़्यादा भी हो सकते हैं। उसके बाद फिर सिलेक्ट करेंगे किस चीज़ को, ऐसी चीज़ जो कि हम प्रेफर कर रहे हैं किसके अंदर, सॉल्यूशन के अंदर,
जब मल्टीपल सॉल्यूशंस आ जाएंगे तो फिर कौन सी ज़्यादा बेहतर है, किसको प्रेफरेंस देनी है, वो चीज़ देखी जाती है ताकि उन सॉल्यूशंस को इम्प्लीमेंट किया जा सके। देन फाइनली एक डॉक्यूमेंट बनाया जाएगा, कैन बी मल्टीपल डॉक्यूमेंट, जिसके अंदर के ये सारे रिजल्ट्स लिखे जाएंगे और उसको हम कहेंगे कि वो एक फिजिबिलिटी रिपोर्ट है हमारे पास, ताकि एंड पे एक हमारे पास ऐसा डॉक्यूमेंट हो जो कि प्रेजेंट किया जा सके, जिससे ये सारी चीज़ें हम देख सकें कि ये काम किस तरह से हो सकते हैं या नहीं हो सकते। देन हम नेक्स्ट स्टेप के ऊपर मूव करेंगे, थर्ड वन, जिसको हम कहते हैं रिक्वायरमेंट एनालिसिस। रिक्वायरमेंट एनालिसिस, जैसा कि इसका नाम है, कि जो रिक्वायरमेंट है उसका एनालिसिस किया जाए। अब इसका क्या पर्पस है कि रिक्वायरमेंट एनालिसिस क्यों किया जाए? इसके अंदर हम करते हैं थॉरो स्टडी, डिटेल्ड स्टडी करते हैं किस चीज़ की, जो चीज़ें हमें फिजिबिलिटी से मिली हैं, ताकि हम क्या कर सकें, ताकि हम कर सकें अंडरस्टैंड, समझ सकें ज़्यादा बेहतर तरीके से किस चीज़ को, प्रॉब्लम को। फिजिबिलिटी स्टडी में इसकी फिजिबिलिटी आ गई हमारे पास, लेकिन उसके बाद हम इस जो रिक्वायरमेंट्स हैं उसका एनालिसिस करेंगे। अब इसमें क्या होगा, अब इसके अंदर हमारे पास एक तो हम कहते हैं कि इम्पॉर्टेंट है, एक क्रिएट किया जाए, बनाया जाए, क्या चीज़ बनाई जाए, कंप्लीट हो, मुकम्मल, और उसके साथ एक्यूरेट हो, क्या चीज़ रिप्रेजेंटेशन, जो कि रिप्रेजेंट कर रही हो किसको, उन सारी रिक्वायरमेंट्स को जो कि हमें चाहिए डेटाबेस के अंदर। ठीक है, तो ऐसी रिक्वायरमेंट की रिप्रेजेंटेशन होनी चाहिए कंप्लीट और एक्यूरेट, और उसको क्रिएट कर किया जाए। अब क्या होगा, ये क्यों इम्पॉर्टेंट है कि जब ये काम किया जाएगा तो फिर ही हमारे पास एक पॉसिबिलिटी आएगी और पॉसिबल होगा कि डेवलप किया जाए एक डेटाबेस जो कि हर लिहाज से मुकम्मल हो, ऑल फैक्टर्स को कवर कर रहा हो और वो सेटिस्फाई करे किसको, उन सारी रिक्वायरमेंट्स को जो कि हमने पहले देखी हैं। तो इससे अब क्या होगा कि ये सारे काम जब किए जाएंगे, रिक्वायरमेंट सेटिस्फाई की जाएंगी, तो फिर ही प्रॉपर एक डेटाबेस बनेगा। अब हम यहाँ पे एक एग्जांपल देखते हैं कि ये काम किस तरह से किया जाएगा, और हम एग्जांपल लेंगे अगेन हमने जो पहले बात की थी कॉलेज एग्जामिनेशन सिस्टम की। कॉलेज एग्जामिनेशन सिस्टम यहाँ पे एग्जांपल में इस वजह से दिया हुआ है क्योंकि स्टूडेंट्स को काफ़ी हद तक अंदाज़ा होता है कि किसी भी स्कूल या कॉलेज में जो एग्जामिनेशन सिस्टम है उसमें क्या काम हो रहा है, उसमें से काफ़ी चीज़ें स्टूडेंट्स ने पहले ही देखी होती हैं। तो इसमें हमारे पास सबसे पहले तो आ जाती हैं कि हम देखें एंटिटीज़ को, कौन सी एंटिटीज़ होंगी। अब उन एंटिटीज़ से क्या होगा, टेबल बनेंगे और टेबल रिप्रेजेंट करते हैं सारे डेटाबेस को। डेटाबेस के अंदर हमारे पास जो बेसिक फाइल्स होती हैं वो सारे टेबल्स होते हैं। जैसे कि हम अगर एग्जामिनेशन सिस्टम की बात करते हैं तो हम कह सकते हैं कि हमारे पास बनेगी एंटिटी स्टूडेंट की, एक मेन फैक्टर स्टूडेंट का आता है, फिर हम इसके अंदर एग्ज़ाम की एंटिटी को कवर करेंगे और उसके साथ हम करेंगे एग्ज़ाम की टाइप को, ये एक अलग एंटिटी बनेगी एग्ज़ाम से। इसी तरह हम रिज़ल्ट को कवर करेंगे और इसके अंदर हम कोर्सेज को देख सकते हैं। तो ये हमारे पास एंटिटीज़ हैं जो कि आनी चाहिए, जिनके टेबल बनने चाहिए। अब जो एंटिटीज़ हैं उनके साथ हमें डेफिनेटली ऐसी फील्ड्स की रिक्वायरमेंट्स आ जाएगी जो कि इसकी करैक्टरिस्टिक्स होंगी जो इसको कवर करेंगी। हम यहाँ पे एट्रीब्यूट्स का नाम भी
यूज करते हैं, पहले भी हम देख चुके हैं। एंटिटीज के साथ एट्रीब्यूट्स होते हैं और टेबल्स के साथ फील्ड्स आती हैं। तो अब फील्ड्स किस तरह की हो सकती हैं, लाइक अगर हम बात करते हैं कि हमारे पास एंटिटी है स्टूडेंट की, तो उस स्टूडेंट की एंटिटी के अंदर हमारे पास जो एट्रीब्यूट्स आते हैं वो हो सकते हैं रोल नंबर स्टूडेंट का, जो कि बहुत इम्पॉर्टेंट है, नेम हो सकता है, मस्ट है, क्लास आ जाएगी, स्टूडेंट की क्लास भी होनी मस्ट है, क्लास के साथ सेक्शन सेपरेट होगा, और उसके साथ हम कह सकते हैं डेट ऑफ बर्थ आ जाएगी, एड्रेस आ जाएगा, एंड सो ऑन, कम ज़्यादा इसको हम कर सकते हैं। तो इस तरह से हमारी फील्ड सारी कवर हो जाती हैं। फिर हम देखते हैं कि हम इनके अंदर से की एट्रीब्यूट्स को, लाइक हमारे पास इसमें से प्राइमरी की कौन सी आएगी, एंड उसके साथ ही हम देख लेंगे कि हमारे पास फॉरेन की कौन सी आएगी, ताकि इन दोनों को हम देख सकें। एक हमारे पास प्राइमरी की के अंदर यूनिक वैल्यू आ जाए और फॉरेन की के अंदर हमारे पास रिलेशनशिप बनाने के लिए वैल्यूज की किसी और टेबल के अंदर प्लेस करते हैं। तो इन दोनों से हम रिलेशनशिप की तरफ मूव करते हैं। फिर हम देखते हैं कि डेटा टाइप्स कौन सी आएंगी, क्योंकि डेटा टाइप्स के बगैर ये काम मुकम्मल नहीं हो सकता। जैसे ही हम एट्रीब्यूट्स देखेंगे और उसके साथ डेटा टाइप्स को हम कवर करेंगे, तो फिर काफ़ी हद तक हमारा डेटाबेस कवर हो सकता है। लाइक हम कहते हैं कि अगर रोल नंबर है तो उसके लिए डेटा टाइप क्या आएगी, तो हम उसमें नंबर की डेटा टाइप सेलेक्ट कर सकते हैं। और रिलेशनशिप हम इसके अंदर क्रिएट करेंगे, जो कि हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं रिलेशनशिप को। अभी भी हमने देखा था कि हम प्राइमरी की और फॉरेन की सिलेक्ट करेंगे रिलेशनशिप के लिए, तो फिर हम उसको क्रिएट करते हैं। देन हम देखते हैं कि ये काम सारे हो गए, तो उससे आगे हमारे पास क्यूरीज क्या बनेंगी, हम इसके फॉर्म्स बनाएंगे, वो कौन से होंगे, कितने होंगे, एंड फाइनली रिपोर्ट जो बनेगी वो क्या होगी। तो ये सारी चीज़ें जब हम कवर करेंगे, तो एक कॉलेज एग्जामिनेशन सिस्टम की प्लानिंग हमारे पास कंप्लीट हो जाती है। अब हमारे पास फोर्थ नंबर पे आ जाता है कि हम आइडेंटिफाई करें किस चीज़ को, एंटिटीज़ को, उसके साथ उन एंटिटीज़ के एट्रीब्यूट्स को। अभी हमने पीछे एग्जांपल में चीज़ें कुछ देख ली हैं, लेकिन हम यहाँ पे अगेन देख लेते हैं कि क्या होगा। लाइक एंटिटी क्या चीज़ होती है, हम पहले भी इसको पढ़ चुके हैं। एक जो एंटिटी है वो एक मेन कोई ऑब्जेक्ट है जिसके लिए हम डाटा रिकॉर्ड कर सकते हैं, जिसका कुछ डाटा हो सकता है। अब हम इसके अंदर मोस्टली देखते हैं कि कोई भी एंटिटी है तो उसमें हम एक नाउन को कंसीडर कर रहे होते हैं। लाइक हम कहते हैं कि एंटिटी के अंदर हमारे पास आ सकता है कोई भी पर्सन, इसके साथ हम कह सकते हैं कोई प्लेस आ सकती है, देन हम कहते हैं कि कोई थिंग आ सकती है, कोई चीज़ आ सकती है, जगह, कोई शख्स, कोई बंदा जो काम कर रहा है, एंड आखिरी में हमारे पास एक ऑप्शन आता है इवेंट का कि कोई काम ऐसा परफॉर्म हो रहा है। तो ये सारी चीज़ें हम कवर करते हैं एंटिटी के अंदर। देन इसके साथ ही जो दूसरा ऑप्शन आता है एट्रीब्यूट का, तो एट्रीब्यूट हमारे पास क्या चीज़ होती हैं, ये होती हैं हमारे पास करैक्टरिस्टिक्स। ये करैक्टरिस्टिक्स किसकी हैं, किसी भी एंटिटी की हैं। तो हम इस करैक्टरिस्टिक की जब बात करते हैं, तो हम अगर कहते हैं कि लाइक कोई पर्सन है तो उसका नेम आ सकता है, उसकी एज आ सकती है, उसकी आईडी आ सकती है, या हम इसको अगर कहें आइडेंटिफिकेशन कोई नंबर हो सकता है। आइडेंटिफिकेशन नंबर से मुराद है कि लाइक इट कैन बी अ CNIC नंबर। सो ये सारी चीज़ें आ जाएंगी। अगेन हम इसके अंदर एड्रेस को भी देख सकते हैं, और इसी तरह हम सैलरी को कवर कर सकते हैं पर्सन टू पर्सन, या डेटाबेस के अंदर ये डिफरेंट चीज़ें आएंगी। तो ये चीज़ें जब हम कवर करते हैं प्रॉपर तरीके से, तो हमारे पास एंटिटीज़ और उसके एट्रीब्यूट्स कवर हो जाते हैं। अब हम देख लेते हैं एक इसकी एग्जाम्पल, और इस एग्जाम्पल के हम अंदर देखेंगे कि हमारे पास कोई सिस्टम है। अगेन हम वही सिस्टम देख लेते हैं जो हम पहले से इसको पढ़ रहे हैं।
जो कि हम देख रहे हैं कि अगर एक एग्जाम सिस्टम है किसी भी कॉलेज का भी ये हो सकता है और किसी स्कूल का भी हो सकता है, तो इस एग्जाम सिस्टम के अंदर अगर हम देखेंगे एंटिटीज और हम इसको प्रॉपर तरीके से लिख दें तो इसमें हमारे पास आ जाएगी स्टूडेंट की एंटिटी, कोर्स की एंटिटी, एग्जाम की एंटिटी एंड अभी हम चार ही देख रहे हैं तो इसमें चौथी हम कर लेते हैं एग्जाम रिजल्ट की। एंड इसके इसी तरह एट्रीब्यूट्स भी हम प्रॉपर तरीके से लिस्ट डाउन कर देते हैं। स्टूडेंट के लिए हम कर देते हैं रोल नंबर का एट्रीब्यूट सबसे पहले और उसके बाद हम देखेंगे नेम को, देन देयर इज क्लास, सेक्शन और उसके साथ डेट ऑफ बर्थ, हम इसको डीओ भी एब्रीवेट कर सकते हैं एंड एड्रेस आ जाएगा। सो ये एट्रीब्यूट्स हम स्टूडेंट के लिए कवर कर सकते हैं। अब कोर्स के अंदर क्या चीज़ आएगी, कोर्स के अंदर हम देखेंगे कोर्स आईडी आइडेंटिफिकेशन नंबर होगा, कोर्स का नेम होगा, इसके साथ हम अंडरस्कोर यूज कर सकते हैं और डिस्क्रिप्शन आ सकती है कि कोर्स कौन सा है, क्या है, उसके अंदर क्या स्टडी हो रही है। देन एग्जाम के लिए हमारे पास आ जाएगी एग्जाम आईडी, एक आइडेंटिफिकेशन नंबर होना मस्ट है हर टेबल के साथ, हर एंटिटी के साथ, तो हम मोस्टली आईडी को ही यहाँ पे लिख रहे होते हैं। देन देयर कैन बी एग्जाम नेम कि उसका नाम क्या है, एग्जाम का स्टार्ट कब हो रहा है उसके लिए हम कर देते हैं स्टार्ट डेट, एंड डेट भी कर सकते हैं, और रिजल्ट के अंदर हम डिफरेंट सब्जेक्ट के मार्क्स कर सकते हैं। सो ये एक कंप्लीट एक लिस्ट बन जाती है जिसके अंदर हम कवर करते हैं तमाम एंटिटीज और उसके एट्रीब्यूट्स। फिफ्थ नंबर पे हमारे पास आ जाता है कि हम असाइन करेंगे क्या चीज, नेम्स को किसी भी टेबल के लिए एंड उस टेबल के अंदर जो हमारे पास कॉलम बनेंगे, या हम कह सकते हैं कि ये एट्रीब्यूट्स जो हमारे पास आएंगे। अब इनको असाइन किस तरह से करना होता है, क्या इसके लिए कोई रूल है या नहीं है, तो हम देखते हैं कि हमने एंटिटीज बनाई हैं और उसके साथ हमने उन एंटिटीज के एट्रीब्यूट्स बनाए हैं, तो डिज़ाइनिंग करते हुए अगर हम ये काम करते हैं कि ये दोनों चीज़ें हम पहले आइडेंटिफाई कर लेते हैं डिज़ाइन से, डिज़ाइन के अंदर, अब क्या होगा, जो एंटिटी है वो कन्वर्ट होगी टेबल के अंदर और जो एट्रीब्यूट है वो कन्वर्ट होगा फील्ड के अंदर। अब इससे क्या होगा कि हमें बनाने पड़ेंगे टेबल के लिए कॉलम्स, और जितने कॉलम्स होंगे वो सारे मिलके डेफिनेटली टेबल की रोज बनेंगी तो टेबल कंप्लीट होगा। अब इनमें नेमिंग किस तरह करनी है, नेम क्या उसके रखने हैं, इसके लिए कोई रूल है या नहीं है, क्योंकि मुख्तलिफ जगहों पे अगर इस तरह के कोई काम होता है, डिज़ाइनिंग होती है, तो उसके कुछ ना कुछ रूल्स होते हैं। बट यहाँ पे हम देखते हैं कि अगर हमने डेटाबेस के लिहाज से देखना है तो देयर इज नो स्पेसिफिक रूल, कोई स्पेसिफाइड नहीं है, कोई स्पेसिफिक रूल नहीं है कि किस तरह से नाम रखने हैं। हाँ, जो नाम होंगे वो कुछ ना कुछ मीनिंगफुल होने चाहिए, ऐसा ना हो कि आप कोई भी एंटिटी है उसमें अगर रोल नंबर का नाम है तो आईडी उसको रख दें, नहीं ऐसा नहीं करेंगे हम, उसको रोल नंबर ही रखेंगे, तो मीनिंगफुल नाम होने चाहिए। इसकी तरह अगर मीनिंगफुल हो तो उसके अंदर कंसिस्टेंसी भी हो कि थ्रू आउट द डेटाबेस एक ही तरह की चीज़ें आ रही हो, उसके अंदर कोई मुख्तलिफ ना आ रहा हो, मीनिंगफुल एंड कंसिस्टेंसी होना दैट शुड बी थ्रू आउट ऑल द डेटाबेस, पूरे डेटाबेस के अंदर इसी तरह से हो ताकि एक कंसिस्टेंट प्रॉपर तरीके से डेटाबेस बने। लाइक अगर हम कहते हैं कि स्टूडेंट का टेबल है, हम बार बार स्टूडेंट की ही एग्जांपल दे रहे,
फॉर द रीज़न कि ये एक ज़्यादा अंडरस्टैंडेबल एग्जाम्पल है। तो क्या होगा स्टूडेंट के लिए अगर हमने करना है, तो हम पहले भी देख चुके हैं कि उसके अंदर क्या चीज़ आएगी। हम इसके लिए रोल नंबर कर लेंगे, ठीक है, इसको हम एब्रीवेट कर सकते हैं, फुल फॉर्म भी लिख सकते हैं। नेम के लिए हम नेम ही कर देंगे, या हम कह सकते हैं पॉसिबल हो सकता है कि स्टूडेंट और अंडरस्कोर के साथ नेम कर दें या एस नेम कर दें, ताकि हमें पता चले कि स्टूडेंट नेम है। एस नेम से भी अंडरस्टैंडेबल है कि स्टूडेंट नेम ही आ रहा है। एंड क्लास के लिए क्लास का वर्ड ही आएगा, छोटा वर्ड है, इसको चेंज करने की ज़रूरत नहीं है। सेक्शन के लिए भी हम सेक्शन पूरा लिखेंगे। अच्छा, इसमें अगर हम एस ई सी लिखते हैं तो ये फिर भी कवर हो सकता है। हाँ, देर कैन बी अ चांस कि कोई एस ई सी से कोई इसको देख ले कि ये सेक्ट है, तो बेहतर है कि हम एस ई सी ना करें बल्कि एग्जैक्ट सेक्शन पूरा लिख दें। देन हम देख लेते हैं कि डी ओ बी। अब ये जो डी ओ बी की टर्मिनोलॉजी है, ये बहुत ही कॉमन है कि इसके अंदर डेट ऑफ बर्थ ही आएगा, कोई और चीज़ नहीं आएगी, अंडरस्टूड है। तो इस जैसे हम डी ओ बी ईजीली लिख सकते हैं, इसके अंदर कोई इशू नहीं है। फिर हम सिटी के लिए सिटी पूरा लिख देंगे। मोस्टली हम नेमिंग एब्रीवेट करते हैं जहाँ पे लेंथी नेम्स आ रहे हैं, लाइक डेट ऑफ बर्थ एक लेंथी नेम है, तो इसको हम डी ओ बी कर देते हैं। बाकी ईजी है, रोल नंबर नेम भी ईजी है, क्लास है, सेक्शन है एंड सिटी है, तो इनको एब्रीवेट करने की ज़रूरत नहीं है। तो अब क्या होगा, अब ये सारा काम जब हो जाएगा तो हम देखते हैं कि किस तरह का व्यू हमारे पास बनेगा। उसके अंदर हम इस तरह से देख सकते हैं रोल नंबर, नंबर पूरा भी लिख सकते हैं या जस्ट एन ओ बी लिख दे तो अंडरस्टूड है कि रोल नंबर आ रहा। देन देयर इज नेम एंड क्लास। उसके बाद हम देखते हैं नेक्स्ट, हमने देखा था सेक्शन एंड डेट ऑफ बर्थ या डी ओ बी और सिटी। अब अगर इसको हम टेबल फॉर्मेट में देखना चाहते हैं, हम इसको बेशक ड्रॉ करते हैं पेपर में, अगर हम अपने रजिस्टर पे काम कर रहे हैं उसमें भी करते हैं स्टूडेंट, या पेपर के लिए भी देख रहे हैं, तो दैट्स ओके कि इतना टेबल बनाना कोई इशू नहीं है। अभी यहाँ पे मैं आपको ये जो ड्रॉ करके दिखा रहा हूँ, तो यही चीज़ आप इजीली ड्रॉ कर सकते हैं अपने पास किसी भी जगह पे जो कि आप यूज़ कर रहे हैं। और जस्ट हम देख लेते हैं इसके अंदर अ फ्यू लाइक थ्री रोज। इन थ्री रोज के अंदर अगर हम डाटा को फिल करते हैं तो इजीली हम एक आइडिया ले सकते हैं टेबल के लिए। लाइक रोल नंबर हम कर देते हैं यहाँ पे 1, 2 एंड 3, मोस्टली सीक्वेंस के अंदर ही आ रहा होता है। नेम के लिए हम अगर जगह थोड़ी सी ज़्यादा भी छोड़ दें तो नाम लिखना कोई इशू नहीं है, लाइक अली, गोहर एंड मुस्तफ़ा। मेरी कोशिश होती है कि एग्जाम्पल में वही चीज़ बताई जाए जो बुक में है, ताकि इसको अंडरस्टैंड करना आप लोगों के लिए ज़्यादा आसान हो। तो बाज़ का स्टूडेंट देख लेते हैं कि कोई ऐसी चीज़ नहीं है, लाइक नाम कोई भी आ सकता है, बट आसान रहता है अगर वो एग्जाम्पल की जाए। क्लास फर्स्ट ईयर, फर्स्ट ईयर का कोर्स है तो फर्स्ट ईयर की हम एग्जाम्पल देते हैं। सेक्शन कैन बी ए और बी, यहाँ पे बी हम कर लेते हैं। डेट ऑफ बर्थ कैन बी 23, 5 एंड 2000। देन देयर कैन बी 1, 6 एंड 1999 एंड फाइनली देयर कैन बी 12, 7, 2001। सिटी कैन बी इस्लामाबाद, सिटी कैन बी रावलपिंडी, एंड रिपीट हो रहा है यहाँ पे तो इस्लामाबाद, स्टिल दैट्स ओके, कोई इशू नहीं है। अब बाकी चीज़ें, न्यूमेरिक डाटा है यहाँ पे, नेम आ रहे हैं, ये टेक्स्ट है यहाँ पे, हम लिख देता हूँ मैं आपको, नंबर आ रहा है, टेक्स्ट आ रहा है, दिस वन इज ऑल्सो टेक्स्ट, ये भी टेक्स्ट आएगा, बट ये यहाँ पे डेट एंड टाइम का फॉर्मेट आ रहा है, और फाइनली यहाँ पे टेक्स्ट आ रहा है। डेट एंड टाइम का फॉर्मेट पहले भी डिस्कस हुआ है, इसके अंदर हम डी डी एम एम एंड वाई 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 ये फॉर्मेट फॉलो करते हैं, लाइक डे के लिए 2 डिजिट, 2 डिजिट मंथ के लिए और 4 डिजिट ईयर के लिए। फाइनली हमारे पास ऑप्शन आ जाता है कि
असाइन करना होता है डेटा टाइप को। तो जो मैंने यहाँ पे ये चीजें बताई हैं, ये चीज यहाँ पे डेटा टाइप असाइन हो रही है। सो आई गेस दैट्स द एंड ऑफ लेक्चर। तो इस तरह से आप अगर पिछली चीजों को पढ़ते हैं और इस लेक्चर को आप देखते हैं तो आप एक कंप्लीट डेटाबेस को डिजाइन कर सकते हैं। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक करें और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि मजीद इसी तरह की वीडियोस आपको मिलती रहें और आप ऑनलाइन कंप्यूटर साइंस पढ़ते रहें। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।